आज हम लोग करने वाले हैं एक फायर एक्सपेरिमेंट। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पुराने समय में आग जलाना कितना ज़्यादा कठिन काम था, और उस समय में आग जलाने के लिए कुछ अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। तो आज हम लोग उन्हीं ट्रिक्स का यूज करके आग जलाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि उस समय पर आग जलाना कितना ज़्यादा कठिन था। तो जिसके लिए मेरे पास ये कुछ पुराने इक्विपमेंट्स हैं, और इनके साथ साथ मेरे पास कुछ न्यू इक्विपमेंट्स भी हैं जिनको आप लोग कैंपिंग और ट्रैवलिंग करते वक्त अपने साथ ईजिली कैरी कर सकते हो। तो अब यार पहले हम पुरानी विधि से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आग जलेगी या नहीं। यह है सबसे पुरानी विधि जिसमें कि आपस में दो पत्थरों के टकराव से स्पार्क उत्पन्न होता है और उसी स्पार्क से आग जल जाती थी। तो आओ हम भी देखते हैं। 2000 years later। हाँ, मेरे को लगता है जो पत्थरों से आग जलाने वाली बात थी वो झूठ थी, या हो सकता है जो वो पत्थर थे वो किसी और मेटल के होते थे। तो अब हम अपनी दूसरी विधि से आग जलाने की कोशिश करेंगे। गाइस, हमारी पहली विधि फेल हो गई और आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय में आग जलाना कितना ज़्यादा कठिन रहा होगा। अब मेरे पास ये दूसरी विधि, और आप लोग मोटर को देख कर सोच रहे होंगे कि पुरानी विधि कहाँ से। तो आप लोगों ने एक विधि देखी होगी जिसमें दो लकड़ियों को फ्रैक्शन कराकर आग उत्पन्न कराई जाती है। मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है कि मैं लकड़ियों को अपने हाथों से घिसता रहूँ, इसलिए मैंने इसको कुछ मोटर रूप दे दिया। मैंने अपनी मोटर में एक लकड़ी लगा ली है। अब इस मोटर को बिजली की मदद से चलाएंगे और फिर दूसरी लकड़ी पर इसको फ्रैक्शन कराकर देखेंगे कि आग जलेगी या नहीं। चलो। गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि जितना ज़्यादा बोलने में आसान है, करने में भी उतना ही ज़्यादा आसान होगा, पर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने इस ट्रिक को कम से कम 2 से 3 बार ट्राई किया, तब कहीं जाकर बड़ी मशक्क़त के बाद ये सक्सेस हो पाया। और आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे, जब हम मोटर को लकड़ी पे घिस रहे हैं तो इसके साइड में छोटे छोटे ब्लैक कलर के पार्टिकल्स इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं, यही हमारे आग जलाने में काम आने वाले हैं। और हमारी लकड़ी पर थोड़ा थोड़ा धुआं भी उठने लगा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं इनको हम कॉटन पे इकट्ठा कर लेंगे और फिर उन पार्टिकल्स से आग जलाने की कोशिश करेंगे। हमारे सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हो चुके हैं, अब हम इसमें हल्का हल्का फूंक मारेंगे। और गाइस, फाइनली हमारी आग जो है वो जल चुकी है। तो गाइस, हमारी दूसरी विधि ने काम तो किया, पर उस विधि से आग जलाने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेरे पास ये दो मॉडर्न इक्विपमेंट जिनमें से एक है लेंस। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये लेंस वर्क कैसे करता है। ये बहुत सारी सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करके उन्हें एक ही पॉइंट पर फोकस करता है, जिसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है और आग जल जाती है। और मैं आप लोगों को इसका एक डेमो दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने जैसे इसका फोकस बनाया तो उसी पॉइंट पे धुएं उठने लगे। वैसे हम सब लोगों को पता है कि लेंस आग लगा ही सकता है। अब मैं आप लोगों को सबसे मॉडर्न इक्विपमेंट के बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने इस इक्विपमेंट को बेयर ग्रिल्स की वीडियोस में देखा होगा, कैसे वो इस रोर की मदद से किसी भी कंडीशन में आग जला लेता है। तो हमने भी इस रोर को मंगाया और देखेंगे कि ये रोर वर्क कैसे करती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इससे आग कैसे लगाई जाती है। तो आप इस पत्ती को देख रहे हैं, जब इस पत्ती को हम इस पर घिसेंगे तो इसमें से स्पार्क निकलेगा। आओ देखते हैं कैसे घिसते हैं। ये वाली टेक्निक अदर टेक्निक से ज्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि इससे आग लगाने में हमें 2 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा। एंड आप लोग ये जो रोड देख रहे हो, ये मैग्नीशियम की बनी हुई रोड है। जब इस पत्ती को इस पर फ्रिक्शन कराते हैं तो इसमें एक स्पार्क उत्पन्न होता है जिससे आग लग जाती है। और मुझे इसकी एक खासियत लगी, अगर ये पानी में भीग जाता है तो ये तब भी परफेक्टली वर्क करता रहता है। तो यार, वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।